ना चाहते हुए भी जरूरत पड़गी बताने की। आजकल कहानी है ये हर दूसरे घर आने की। देहान औलाद पे ना देते हैं वालदैन अब उनकी कोशिश अब रहती ज्यादा पैसा कमाने की। आज की कहानी भी एक कमसिन लड़की की है। कहने को जिंदा है वो पर रोज मरती भी है। वो ये बताना चाहती है क्या हुआ उसके साथ, पर है तो लड़की वो बदनामी से डरती भी है। उसका बचपन था ऐसा जब हुई थी पैदा, वो माँ बाप के साथ रही वो कम लोगों के पास ज्यादा। वो माँ और बाप दोनों ही करते थे नौकरी, उनकी कोशिश थी ये कि आमदनी कुछ ज्यादा हो। उन्होंने चाहा कि बन जाए बच्ची का मुस्तकबिल, उससे ना पूछा कभी आखिर क्या है उसका दिल। शायद इस हद तक कभी नौबत ही ना आती अगर तुम पूछ लेते उससे कैसा गुजरा उसका दिन। बच्ची जब बड़ी हुई जब थोड़ा उसने होश संभाला, उसे महसूस हुआ उसको औरों ने है पाला। वो 7 साल की थी जब उसे ये इल्म हुआ, जिसको वो माँ समझती है वो तो है उसकी खाला। वो ही उदास पोत पर आखिर फिर वो कहती किससे, कहने को पोत कुछ था पर कौन सुनेगा इससे। इसके सिवा तो उसके पास बचा था चारा नहीं, उसने गुजारा वक्त खिलौनों को सुना के किससे। फिर हुआ यूं के जब हुई थी वो 8 की, उसकी माँ ने उसकी खाला से ये बात की। मुझे ये खुशी है पढ़ाई में ये होने हार, लेकिन अब देनी चाहिए दीनी तालीमात भी। खाला ने इस बात पे रजामंदी जाहिर की, बोली वो बात माँ से करती हूँ मैं ताहिर की। बेटा उनका सिपारा घर आके पढ़ा देगा, इससे बेहतर है कि पढ़ने जाइए बाहर कहीं। फिर यूं ही हुआ वो पढ़ने लगी सिपारा, पर कमबख्त वो यहाँ किसी और मकसद से था आ रहा। वो बच्ची थी उसे ना इल्म था इन चीज़ों का, ना जाने वो कहाँ कहाँ पे हाथ था लगा रहा। यूं ही टाइम गुजरता गया सब कुछ राज रहा, वो शक भी ना कभी इन हरकतों से बाज रहा। या तो मुर्दा था वो या फिर उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि उस शख्स का ज़मीर ना था जाग रहा। किसी वजह से उसका छूट गया सिपारा, वो शख्स भी ना घर में आया कभी दोबारा। बच्ची को माजी की चीज़ें तब जाके समझ आई, जैसे जैसे वक्त समझदार था बनारा। अब बड़ी होगी थी वो 16 के करीब थी, अब अच्छे बुरे की समझ उसे भी ठीक थी। उसके घर में काफ़ी रौनक लगी हुई थी, क्योंकि उसके घर में किसी किस्म की तकरीब थी। फिर वो हुआ जो ना था उसके वहमो गुमान में, वो शख्स भी था वहाँ मौजूद। जब देखा उसने ध्यान से वो फौरन माँ से अपने कमरे की तरफ दौड़ी और बोला सबको यही के वो जारी है एक काम से। वो शख्स भी किया उसके पीछे, मौका पाते ही फिर ज़बरदस्ती शुरू कर दी। उसने जाते ही शोर शराबा पोत था वहाँ, तकरीब की वजह से फायदा ना हुआ लड़की को तारा चिल्ला के भी। वो सब करके ये बोला तुम किसी को बताना नहीं, मैं हाफिज़ कुरान हूँ किसी को यकीन तो आना नहीं। मैं इसी वजह से लोगों को देता मशवरा, तुम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब होते हैं एक जैसे, पर अपनी आंखों से देखे हैं कई केस ऐसे। जैसे हर वर्दी वाला नहीं होता बेईमान, तो हर दाढ़ी वाला भी नहीं होता है नेक ऐसे। लड़की ने हिम्मत करके बात कर ली दोस्त से, दोस्त ने इख्तियार कर ली दूरी उसे रोज से। वो समझ की थी बाकियों का भी क्या होगा रद्दे अमल, चुपी रही पता था उसे फायदा ना कुछ बोल के। ये हुआ तब है क्योंकि गफलत बरती गई, किसी को खबर ना थी। पर वो रोज मरतीरी सताए उसको माजी, और वो जख्म गहरा होता रहा जैसे जैसे उस लड़की की उम्र बढ़ती गई। रब ने दी औलाद है तो परवरिश भी करो, मुस्तकबिल के चक्कर में उसका हाल दबाना करो। माँ की गोद होती है बच्चों की पहली तर्स का, बड़े स्कूलों के चक्कर में अपनी जेबें तुम ना भरो। अब मुझे ना पता वो कैसे जीती है, ये उसे पता है ये जिसकी आप पीती है। आप और मुझे ना पता वो कैसे जीती है, ये उसे पता है ये जिसकी आप पीती है। आप और मुझे ना पता वो कैसे जीती है, ये उसे पता है ये जिसकी आप पीती है। आप और मुझे ना पता वो कैसे जीती है, ये उसे पता है ये जिसकी आप पीती है।